हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन बटन जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल से जुड़ी हुई कोई भी नई अपडेट आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरामेडिकल के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस आया है जिसके बारे में बात करने वाले हैं। ये एक आपको नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ा हुआ है। कुछ कैंडिडेट हैं उनको इनएलिजिबल कर दिया गया, वो एलिजिबल नहीं है काउंसलिंग के लिए। वो क्या कारण है, किस वजह से नहीं है, वो कितने स्टूडेंट हैं, उनके नाम मैं आपको बताने वाला हूं और देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फाउंड इनएलिजिबल फॉर काउंसलिंग प्रोसेस, यानी कि काउंसलिंग प्रोसेस के लिए इनएलिजिबल हैं एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन इन बुकलेट इन्फॉर्मेशन फॉर पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, लिस्ट में देखते हैं उनके कितने कितने नंबर है, कितने के नंबर वालों को इनएलिजिबल किया है और कितने को नहीं किया, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, ये बहुत बेड न्यूज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहले लिस्ट देख लेते हैं। खुद भी लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो। लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको इस जगह पहुँचा दिया जाएगा और यहाँ से आपको ना एक मिनट नेट प्रॉब्लम वापस एक बार में नहीं होता यार, कुछ बार। ठीक है, तो आपको ऐसे डाउनलोड करना है, इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको दूसरे पेज पर पहुंचाया जाएगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। बहुत इजी है, वहां से क्लिक है डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूं। ठीक है, ये आ गए लिस्ट, क्लिक टू डाउनलोड लिस्ट, यानी कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर क्लिक टू लिस्ट डाउनलोड लिस्ट। तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको डाउनलोड हो जाएगी वो लिस्ट अपने आप ही। ठीक है, जैसे आप लिस्ट को मैं दिखा देता हूँ, मैंने डाउनलोड कर ली है उस लिस्ट को। तो ये है वो लिस्ट जिसमें कितने कैंडिडेट दे रखे हैं, इसमें कैंडिडेट दे रखे हैं 30 कैंडिडेट। ऐसे 30 कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन नहीं, जो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। या तो इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने सबसे बड़ा रीजन ये रहा होगा, या तो इन्होंने उस टाइम पे नो कर दिया होगा, यानी कि बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरा होगा तो उस टाइम पे नो कर दिया होगा, या कोई फॉर्म भरा होगा तो उस टाइम नो कर दिया होगा, ये रीजन रहे होंगे। ये उनको खुद को जाकर चेक करना होगा, अपनी आईडी खोल के वहाँ पता लग जाए कि क्या रीजन रहा इनको। ठीक है, जैसे कि हम इसको देख लेते हैं, पवन कुमार मीणा को देख लेते हैं। इसके फॉर्म नंबर है 50310। ठीक है, इसके कितने मार्क्स है, कितने नहीं, वो देख लेते हैं लिस्ट में चल के जो अपनी मेरिट लिस्ट आई है। डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जी, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेज, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन आरएचएस की, उसमें देख लेते हैं कितने नंबर है, कितने उसके 500, कितने थे फॉर्म नंबर 500 310। ठीक है, उसी को देखते हैं क्या रीजन बताता है इसका, मतलब कितने नंबर थे, नंबर देखने। तो इसके नंबर है, देखो यार, देख लो इसके नंबर भी अच्छे हैं, नंबर भी ज़्यादा अच्छे तो नहीं है वैसे। 23 मार्क्स है इसके, कितने 23 मार्क्स हैं। इसी प्रकार देख लेते हैं एक किसी और का भी, देखते हैं क्या रहता है उसका। जैसे कि हम देखते हैं इसके आकाश मीणा 50 80 29। ठीक है, 50 80 29। तो इसका आकाश मीणा देख लो, आकाश मीणा के कितने मार्क्स आ रहे इसके 29। तो ये नॉट एलिजिबल है, इनका एक ही रीज़न रहा है कि इन्होंने जो नर्सिंग फॉर्म भरते टाइम पे इन्होंने नर्सिंग का फॉर्म भर दिया होगा और वहाँ यस या नो पर क्लिक नहीं, यस ने किया होगा, नो कर दिया होगा इन्होंने, इस वजह से शायद नॉट एलिजिबल है। बाकी सारे रीजन अपने आईडी लॉगिन करके देख सकते हो। ठीक है, तो सभी लिस्ट डाउनलोड कर लेना, ये वाली लिस्ट, और देख लेना आपका नाम तो नहीं है इस लिस्ट में। ठीक है, 30 कैंडिडेट है, इनका नाम नॉट एलिजिबल है, किसके लिए, काउंसलिंग के लिए। धन्यवाद दोस्तों।